नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं सीताराम बाकर, स्वागत है आपका राजस्थान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट एग्री सिलेक्शन पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज प्यारे साथियों अपन पढ़ेंगे एक नई क्रॉप और वो क्रॉप है सरसों की। तो सरसों की खेती के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो की लिंक को शेयर कर दे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने सभी साथियों के पास इस लिंक को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं पर सरसों का, पहले बोटनिकल नेम की बात करेंगे। तो बोटनिकल नेम जो होता है वो होता है ब्रेसिका, ब्रेसिका स्पीसीज, ब्रेसिका स्पीसीज। देखो जो सरसों है, अगर आगे अपन इसका वर्णन की बात करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट में इसको बांटा गया है, तो 5-7 प्रकार की सरसों होती है। तो पहले बेसिक बात करेंगे, ब्रेसिका स्पीसीज इसका क्या होता है बोटनिकल नेम। अगर कुल की बात करें तो कुल होता है क्रूसीफेरी, इसका कुल होता है कुल क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी बोल दो आप, या अगर क्रूसीफेरी नहीं आए तो ब्रेसिकेसी, ध्यान रखना ब्रेसिकेसी भी इसका कुल माना जाता है। तो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी इसका कुल माना जाता है। अगर उत्पत्ति स्थल की बात करें तो उत्पत्ति स्थल होता है चीन, उत्पत्ति स्थल चीन, चीन। अब गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र आगे अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे, तब अपन बात करेंगे इसके कितने क्रोमोजोम संख्या होती है। दोस्तों अब बात कर रहा हूं मैं एक ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक आपने देखा हुआ एक योजना चली थी, योजना कृषि विभाग की एक बहुत बड़ी योजना चली थी और उस योजना का नाम था TOM। नाम याद सुना होगा आपने TOM, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये TOM, ये TOM वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं सरसों। TOM का मतलब होता है टेक्नोलॉजी मिशन। देखो टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ, ध्यान रखना टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड, टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड, मैं लिख देता हूं इसका नाम है टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड। ये योजना चली थी TOM और ये इसका संबंध किस फसल से संबंधित है, तो वो था कौन सा, सरसों कुल की जितनी भी फसलें हैं जो तिलहनी फसलें हैं, तो सरसों कुल की फसलों के ऊपर एक योजना चली थी TOM। और ये योजना कब चली थी, 1986 में, 1986 के अंदर, ध्यान रखना इसका संबंध कब हुआ, इसका प्रारंभ कब हुआ, 1986। विनय जी बोल रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश, बेटा इंग्लिश में ही बोल रहा हूं पहली बार तो इंग्लिश का प्रयास कर रहा हूं। तो ध्यान रखना TOM टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड, ये चली थी 1986 में, लेकिन अभी इसका नाम चेंज कर दिया। अब ध्यान रखना एग्जाम में ये पूछेगा ISOPOM, आपने नाम सुना होगा ISO, ISO, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट ISOPOM, ISOPOM का संबंध किस फसल से है, मतलब इसका नाम परिवर्तन कर दिया है और ISOPOM, ISOPOM इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ पल्सेज। ध्यान रखना तीन चीजें दे रखी अब इस योजना के अंदर, पहले तो ये जो योजना चली थी वो सिर्फ तिलहनी फसलें क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल की फसलों से संबंधित था, लेकिन इसका नाम अब चेंज कर दिया, देखो इसका नाम निकाल दिया इंटीग्रेटेड स्कीम, देखो इंटीग्रेटेड स्कीम। अब इसमें कौन कौन सी जोड़ी है, ऑफ पल्सेज, पल्सेज का मतलब तो हो गई दलहनी, ऑयल फार्म, ऑयल फार्म, अब ये हो गई कौन सी तिलहनी, ऑयल फार्म और ऑयल सीड, एंड ऑयल सीड, ऑयल सीड, और लास्ट में बता रहा हूं और वो है मक्का। ये एंड या नहीं आएगा, एंड मेज, मेज या नहीं होता मक्का। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि मक्का के दाने से भी तेल निकाला जाता है, ध्यान रखना। तो ISOPOM का
पूरा नाम होगा इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ पल्सेज ऑयल फॉर्म ऑयल सीड एंड मेज। तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बनता है, तो क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं सरसों। हाँ बेटा मैं साइड में जाऊंगा, आप निश्चिंत रहे, स्क्रीनशॉट आपको लेने का मौका दूंगा। तो ये था इसका ऑयल फॉर्म और आइसोपियो। अब देखो बात कर रहे हैं अपन तिलहनी फसल, और तिलहनी फसल में आपको पता ही है कौन सी पढ़ रहे हैं, सरसों। अब सरसों की बात करें तो इसका जो तेल होता है, इसके दानों में तेल की कितनी मात्रा होती है, तो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अपन तिलहनी फसल पढ़ रहे हैं तो तेल की मात्रा आपसे पूछी जा सकती है। तो इसके अंदर तेल की जो मात्रा होती है वो लगभग, तेल होता है सरसों में, वो लगभग 33 से लेकर 38% सरसों के दानों में तेल की मात्रा कितनी होती है, 33 से लेकर 38%। अगर आपसे पूछ ले प्रोटीन कितनी होती है, प्रोटीन ध्यान रखना, प्रोटीन तो वो लगभग 24 से लेकर 30% क्या होती है, इसके दानों में प्रोटीन पाई जाती है, तो सरसों में प्रोटीन। हाँ बिल्कुल, कविता मीणा जी बोल रहे हैं 4% मक्का से ऑयल, बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल। तो 4% क्या पाया जाती है, मक्का के दानों में भी ऑयल पाया जाता है। तो सरसों में प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 24 से 30%। अब तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और तीनों क्वेश्चन में बताऊंगा छोटे लेवल के, जेट के लेवल के एग्जामों में हमेशा पूछे जाते हैं। जो तेल होता है, जो सरसों का तेल होता है, इसके अंदर एक विषैला रसायन पाया जाता है, और उसका नाम क्या है। तो तेल में विषैला रसायन, ध्यान रखना, तेल में विषैला रसायन पाया जाता है, और उसका नाम ध्यान रखना, वो सब जानते हैं बच्चे, ग्लूकोसिनोलेट ध्यान रखना, ग्लूकोसिनोलेट, ये पाया जाता है सरसों के तेल में विषैला रसायन, ग्लूकोसिनोलेट, ये रसायन इसके दानों में विषैला रसायन पाया जाता है सरसों के तेल में। अगर आपसे पूछ ले जो सरसों के, अगर आपने देखा होगा तेल, उसके अंदर तीव्र गंध भी आती है, सरसों के तेल में तीव्र गंध का कारण क्या है, तीव्र गंध, तो वो था सिनिग्रिन एल्डिहाइड के कारण, तीव्र गंध सिनिग्रिन, और ये सिनिग्रिन एल्डिहाइड पाया जाता है, इसके कारण क्या होता है, सरसों के दानों में तीव्र गंध का कारण होता है। अब जो सरसों का तेल होता है आपको पता है 33 से 38% होता है, लेकिन इसके अंदर एक अम्ल भी पाया जाता है, और उस अम्ल का नाम है लिनोलिक अम्ल, ध्यान रखना, लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, और वो लिनोलिक अम्ल की मात्रा होती है 4.7 से लेकर 13%। ध्यान रखना, इसके दानों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लिनोलिक अम्ल, और उसकी मात्रा होती है, हाँ बेटा गुणसूत्रों की बात मैं आगे करूंगा, गुणसूत्र आगे करूंगा, अभी इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, तब सब में अलग अलग अपने गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो लिनोलिक अम्ल की मात्रा होती है 4.7 से 13% क्या पाई जाती है, इसमें लिनोलिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। तो आप एक बार इसको उतार ले, उसके बाद में अपन बेसिक बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे, वर्गीकरण भी बेटा पढ़ेंगे अपन। तो एक बार फटाफट जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अब देखो 150-200 के लगभग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लाइकों की संख्या हो रही है कम, तो फटाफट लाइक भी ठोक दे लाइव वाले बटन पर, और लिंक को भी शेयर कर दे। उतार लिया होगा आपने। अब बात करेंगे आगे अपन, देखो सरसों की बेसिक बात कर रहे थे, अम्ल की बात कर ली, अब बात करेंगे इसके अंदर क्या होता है, एक शरीर के अंदर एक विषैला रसायन बनता है, और वो कौन से उसके कारण बनता है, कौन से अम्ल के कारण बनता है, वो था वसीय अम्ल। और इस सरसों के अंदर एक टेस्ट के अंदर लास्ट ईयर आपको क्वेश्चन भी दिया था कि सरसों में कौन सा संतृप्त वसीय अम्ल पाया जाता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, क्वेश्चन आया था आपके, अगर आपने पेपर दिया होगा तो शायद 2-3 टेस्ट पेपरों से पहले आया था, कि अभी 33वां टेस्ट लगा था तो शायद 28वें या 29वें टेस्ट में आया था, कि सरसों के अंदर कौन सा संतृप्त वसीय अम्ल पाया जाता है जो मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है, और वो था इरुचिक अम्ल।
ध्यान रखना बहुत खतरनाक अम्ल है। और इसकी जो मात्रा, मतलब सरसों के दानों में, सरसों में क्या होता है, इरुसिक अम्ल, इरुसिक अम्ल, और इसकी जो मात्रा होती है ध्यान रखना 38 से लेकर 57% होती है, 38 से लेकर 57% होती है। और ये जो इरुसिक अम्ल होता है मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। तो ध्यान रखना मनुष्य के लिए कौन सा अम्ल हानिकारक होता है, तो वो कौन सा है, इरुसिक अम्ल। अब ध्यान रखना अगर आप इरुसिक अम्ल ज्यादा खा लोगे, अगर सरसों के अंदर इरुसिक अम्ल की मात्रा अगर ज्यादा खा लोगे तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, हृदयघात रोग हो सकता है। तो ध्यान रखना हार्ट अटैक से बचने के लिए सरसों का तेल आप कम ही खाया करो। आगे होगी समझ में। अब एक इंस्टीट्यूट आपने देखा होगा, सरसों अनुसंधान केंद्र, नाम सुना होगा तो मैं लिख देता हूं, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, और ये कहां पर है, सेवर, और सेवर कहां पर आता है, भरतपुर के अंदर, और भरतपुर कहां आता है, राजस्थान के अंदर, और राजस्थान कहां आता है, भारत के अंदर, और भारत कहां आता है, विश्व के अंदर। तो ध्यान रखना सेवर भरतपुर में क्या है, सरसों अनुसंधान केंद्र। लेकिन अब आपको एग्जामिनर ये देगा क्वेश्चन, क्योंकि इसका नाम परिवर्तन कर दिया है, नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम निकाल दिया है डायरेक्टरेट, मतलब नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन कर दिया इसका, ध्यान रखना अब, और इसका जो नया नाम निकाल दिया है वो निकाल दिया है डायरेक्टरेट ऑफ रैपसीड मस्टर्ड रिसर्च सेंटर, ध्यान रखना डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, DRMR निकाल दिया इसका, डायरेक्टरेट ऑफ रैपसीड, रैपसीड ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, पहले सरसों अनुसंधान केंद्र था, डायरेक्टरेट ऑफ रैपसीड मस्टर्ड रिसर्च, मस्टर्ड रिसर्च, और इसको ही बोलते हैं ध्यान रखना DRMR, ये नाम नया निकाल दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है आपसे एग्जाम में, बिल्कुल 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 बेटा, 2009 में सही है, पृथ्वी आती है ब्रह्मांड में, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो ये इसका अब नाम चेंज कर दिया, अब पहले जेट लेवल के एग्जामों में ये क्वेश्चन खूब बार आया हुआ, ये और जो भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र का पूछा जाता था खूब आया हुआ, लेकिन अब ये नया नाम देंगे, तो ये चीज भी ध्यान रखना। अब सरसों का तेल आपने खाया होगा, उसका जो रंग होता है वो होता है पीला, तो सरसों के रंग का पीलापन का कारण क्या होता है, वो होता है केराटिनोइड से, ध्यान रखना तेल में पीलापन का कारण, पीलापन का कारण केराटिनोइड से, ध्यान रखना एक एक वर्ड याद रखना, केराटिनोइड से, के राटी बाइड से, तो ये क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, सरसों का तेल कैसा होता है, पीला होता है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए तीव्र गंध का कारण क्या होता है, तो सीनी ग्रीन होता है। अगर आ जाए तीखापन, सरसों का तेल तीखा भी होता है, आपको देखा होगा आंखों में लगाते ही थोड़ी सी जलन हो जाती है, तो वो किसके कारण होता है, आइसोथायोसाइनेट के कारण, ध्यान रखना तीखापन, तीखापन अगर आपसे पूछ ले तीखापन, तो तीखापन होता है आइसो, आइसो थायो साइनेट, आंखों में जलन होने लग जाती है, आइसोथायोसाइनेट, इसके कारण क्या होता है, तीखापन होता है। पीलापन किसके कारण होता है, तो पीलापन आपको बता ही दिया, केराटिनोइड्स के कारण। अब देखो अपन कल पढ़े थे मूंगफली, परसों के दिन, तो भारत के अंदर मैंने बताया था सबसे ज्यादा तेल किसका निकाला जाता है, मूंगफली का, तो सेकंड स्थान कौन सा है, सरसों, ध्यान रखना भारत में, नीचे लिख देता हूं, भारत में, भारत में तिलहनी पशुओं, तिलहनी
तिलहनी फसलों में सरसों का स्थान कौन सा है? सेकंड रैंक है। ध्यान रखना, द्वितीय स्थान है। तेल निकालने वाली जितनी भी फसलें हैं तो कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। तो एक बार लाला और लालियों इसको उतार लो आप, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन कहां इसका उत्पादन हो रहा है, कहां किसका उत्पादन हो रहा है, कौन सा स्टेट्स नंबर वन है। और वीडियो को लाइक भी करते चले, लाइकों की संख्या आज बहुत कम आ रही है और 200 प्लस थोड़ा सा जरूरत है। पापा का लाडला करा, आज सर मूड खराब हो रहा है। बेटा मेरा तो मूड बिल्कुल सही है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, मूड सूड सब सब बिल्कुल फ्रेश है। ऐसा कोई नहीं है, मूड सही है, ठीक है। अब देखो, अब मैं बता रहा था इसके प्रोडक्शन की, तो अगर बात करें इसके उत्पादन, देखो यहां से आएगा सरसों की जो खड़ी होती है, खड़ी अपन पशुओं को खिलाते हैं, तो उसके अंदर आपको प्रोटीन की मात्रा पूछी जा सकती है। तो सरसों की खड़ी में प्रोटीन कितनी होती है? सरसों की खड़ी में प्रोटीन, मैंने अभी बताया था सरसों में प्रोटीन कितनी होती है, 24 से 30 बताई थी, लेकिन अब सरसों की खड़ी की बात कर रहा हूं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, वो होती है लगभग 35%। सरसों की खड़ी में प्रोटीन की मात्रा होती है 35%। अब बात करेंगे इसके प्रोडक्शन की, तो पूरे संसार की बात करें तो देखो क्षेत्रफल में, उत्पादन में क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व में क्षेत्रफल में पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से देश में बोया जाता है? भारत में बोई जाती है सरसों। देखो क्षेत्रफल में पूरे विश्व में किस देश का स्थान है? और वो है भारत का। लेकिन यहां से उत्पादन अगर आपसे पूछ ले तो उत्पादन में कौन सा स्थान है? उत्पादन में तो एक छोटा सा देश है और उस देश का नाम है कनाडा। और इस कनाडा में ध्यान रखना सिर्फ सरसों ही सरसों बोई जाती है, पूरे कनाडा के अंदर सरसों बोई जाती है कनाडा। अगर यहां पर पूछ ले आपको भारत का कौन सा स्थान है तो लालाओ बहुत सी किताबों में थर्ड स्थान दे रखा है, आपको सेकंड स्थान करके आना है, क्योंकि अब डाटा चेंज हो गए हैं। भारत का सरसों उत्पादन में सेकंड स्थान है पूरे दुनिया के अंदर। अब यहां से क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान रखना बहुत सी भी जो नई गाइड आ रखी बाजार में तीसरा स्थान दे रखा, गलत हो गया है, उन्होंने अप्रैल से पहले ही किताबें छप गई थी तो उनके डाटा गलत हो गए। अभी अप्रैल 2021 को ही नए डाटा आ गए, तो अब आप गलत मत करना। तो ध्यान रखना उत्पादन में सेकंड स्थान भारत का, फर्स्ट स्थान है कनाडा का। अगर क्षेत्रफल में पूछ ले तो सबसे ज्यादा सरसों बोई जाती है भारत के अंदर। और अब पूछ ले आपको भारत में सबसे ज्यादा बोई जाती है राजस्थान में। ध्यान रखना राजस्थान पूरे भारत का लगभग 40% सरसों उत्पादन, 40% उत्पादन कहां पर होता है रे? वो होता है राजस्थान। फर्स्ट स्थान किसका है? राजस्थान का। भारत में राजस्थान की है फर्स्ट रैंक। तो सरसों और बाजरे में अपनी है महाशय, सरसों और बाजरे के किंग है राजस्थान, ये चीज भी ध्यान रखना। अगर आपसे राजस्थान में पूछ ले तो अभी मैंने बात बताई थी सरसों अनुसंधान केंद्र DRMR कहाँ पर है? भरतपुर। पहले के ज़माने में होती थी भरतपुर में, अब भरतपुर नहीं है और भरतपुर के पास वाला जो जिला है वहाँ पर होने लग गई। तो राजस्थान में उत्पादन राजस्थान में कहाँ हो रहा है? राजस्थान में उत्पादन हो रहा है अलवर में। ध्यान रखना कन्फ्यूज मत हो जाना, अगर अलवर आपसे ऑप्शन में आएगा अलवर तो तुरंत टिक कर देना राजस्थान में अलवर, लेकिन यहां भी कंफ्यूज हो जाओगे। क्षेत्रफल में अगर बात करें क्षेत्रफल में तो गंगानगर में, क्षेत्रफल कहां पर है? गंगानगर। ध्यान रखना सबसे ज्यादा बोई जाती है श्री, लगा लेना बेटा उस श्री में, भूल गया, श्री गंगानगर में। तो गंगानगर में क्षेत्रफल में अगर उत्पादन आपसे पूछे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है अलवर में। भारत में पूछे तो क्षेत्रफल और उत्पादन में कौन है? राजस्थान फर्स्ट रैंक है। विश्व में पूछे उत्पादन में कनाडा, अगर क्षेत्रफल में पूछे तो
भारत। तो ये थी इसके बारे में बेसिक बात। अब पढ़ूंगा आपको वर्गीकरण पढ़ाऊंगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक तो मक्का और एक सरसों, दो ही क्रॉप ऐसी है जिनका वर्गीकरण आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अगर आपने कोई गलती कर दी और उस वर्गीकरण को ढंग से नहीं पढ़ा तो मैं कह रहा हूं आपके, वो कहते हैं पूड़ियां तुल जाएगी, पूड़ियां ही तुल जाएगी सही में। तो आप एक बार वीडियो को 200 लाइक भी कर दो ताकि अपन अब पढ़ लेते हैं इसका वर्गीकरण। तो 200 लाइक होते ही हो जाएगा। ये कौन रो रहा है इसे? किस्मत यादव जी, किस्मत खराब हो गई शायद, रो रही है। एक ये लड़ कौन रह रहे, रो मत तो बेटा, सब खुशी खुशी पढ़ो आराम से। अब छोटे टाबर थोड़ी हो, मम्मी का गोइरा भी आ गया। 200 लाइक कर दो फटाफट, फिर आगे बढ़ जाएं अपन, वरना आज मैं भी खड़ा ही रहूंगा। सिर्फ वर्गीकरण लिख देता हूं, वर्गीकरण फटाफट कर दो। जोया खान जी कह रहे हैं आपका फोन बंद क्यों है मनीषा दीदी? हाँ, सरसों का फल सिलिक हुआ होता है बेटा, इसका जो बीज होता है दो पार्टों में बढ़ जाता है। सरसों के बीज को आप तोड़ोगे तो दो पार्टों में बढ़ जाता है, तो इसलिए इसका जो फल प्रकार होता है वो होता है सिलिक हुआ। अब चलिए बात करेंगे, 200 लाइक हो चुके हैं। सरसों, सरसों जो है, सरसों का वर्गीकरण फटाफट 200 लाइक भी कर दो फटाफट। फटाफट लाइक कर दो। एक करें, त्रिकोण किसने दिया था सरसों का? बेटा वो एक साइंटिस्ट था नागाहुक, उसने दिया था, नवीन जी नागाहुक ने दिया था त्रिकोण। अब बात करेंगे इसका वर्गीकरण। देखो हो चुके हैं 200 लाइक। वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको बताऊं, सुपरक्षी पर्यवेक्षक 2012 में एक क्वेश्चन आया था और वो आया था मक्का के वर्गीकरण से, और वहां पर मैं कह रहा हूँ पीएचडी होल्डर एमएससी होल्डर भी कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि वर्गीकरण में आप कंफ्यूज होते हो, कहां से होते हो। देखो जो अपन पढ़ रहे हैं सरसों, तो पहले मैं एक एक का वर्गीकरण पढ़ता हूँ। अपने ये जो वर्गीकरण है, लगभग 8-9 प्रकार की सरसों होती है। कभी इसको क्या बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे, उनका अलग अलग नाम है, तो यहां से कंफ्यूज मत हो जाना। सिर्फ आप देखो, बात में ये कर रहा हूं वर्गीकरण पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा आजकल अटपटे क्वेश्चन देने लगे, और आपको पता है ये पेपर मैडम बनाएगी, और मैडम बनाएगी तो वर्गीकरण सरसों या दो ही वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, कपास का, गन्ने का, सरसों का और मक्का का। चारों वर्गीकरणों में से आपको एक क्वेश्चन आएगा, और तीनों में पढ़ा चुका हूं, अच्छे ढंग से पढ़ा चुका हूं। अब ये लास्ट है सरसों का, तो ये भी थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब बात करूंगा मैं एक एक वर्गीकरण की। तो एक तो होता भारतीय, सरसों नाम लिखता हूं भारतीय, भारतीय सरसों। इसी का जो दूसरा नाम है इसको ही बोलते हैं भूरी मस्टर्ड या इंडियन मस्टर्ड, ध्यान रखना भूरी मस्टर्ड, इसी को बोलते हैं भूरी मस्टर्ड। देखो भारतीय सरसों, इंडियन मस्टर्ड, या बोल दो इसको भूरी मस्टर्ड, ये लो जी नाम लिख दिया। अगर यहां पर एग्जाम में ये नहीं आए तो इसी को बोलते हैं राई, राई, और अपन पढ़ रहे हैं आज राई पढ़ रहे हैं, राई पढ़ रहे हैं, इसको राई भी नहीं बोलो, एग्जाम में वहां पर आ सकता है राया या लोहा, राया या फिर आ जाए लाहा, लाहा, तीन नाम है, ये है इसका साधारण नाम। ये तो है क्या सामान्य नाम, ये इसका उपनाम, जैसे आपका भी उपनाम है। अभी मान लो किसी का नाम कालूराम है, गांव में उसको पता नहीं काल्या बोलते होंगे या दौड़िया बोलते होंगे, पीड़िया बोलते होंगे, कोई भी बोलते होंगे आपको, मुझे भी पता, सब स्टूडेंटों का उपनाम जरूर है, गांव के अंदर उपनाम जरूर है सबके। हाँ राइडा या लाहा बोल दो, कुछ ही बोल दो। तो ये तो है सामान्य नाम, सामान्य नाम, इसको बोलते हैं उपनाम, तो कुछ भी दिया जा सकता है। और यही पढ़ रहे थे अपन, इतनी देर तक यही पढ़ रहे थे।
तो आपके भी उपनाम फटाफट कमेंट्स बॉक्स में लिख दो, आपके उपनाम क्या क्या है, बिल्कुल ईमानदारी से लिखना, बिल्कुल ईमानदारी से लिखना, आपको गांव में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो लिख देना आप, जो भी बोलते हैं आपको, आपकी कसम है, उसकी कसम है, आप बिल्कुल रियल बता देना कि सर हमारे को ये बोलते हैं गांव में। अभी आपके गांव वाले कोई नहीं जुड़े हुए हैं, आपकी इज्जत भी खराब नहीं होगी, जो भी बोलते हैं वो आप लिख दो। इसी को बोलते हैं ब्रेसिका जूनसिया, ध्यान रखना जो आप पढ़ रहे हो, ब्रेसिका जूनसिया, जूनसिया इसी को बोलते हैं ब्रेसिका जूनसिया, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी के अंदर बच्चे पूछ रहे थे कि गुणसूत्र कितने होते हैं, इसी के अंदर होते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र बात कर रहा हूं 36 इसके अंदर। तो क्वेश्चन आएगा ब्रेसिका जूनसिया किसका नाम है, आप सरसों करके आओगे, अरे सरसों नहीं है, राई है, राई, राया, लाहा या बूरी मस्टर्ड और सरसों, किशन बोलते हैं एक को, तो पिंटू बोलते हैं, अरे बेटा मुझे पागल बोलते हैं, आप बिल्कुल पराग राजपूत को पागल बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, संजू बाबा बोलते हैं, अज्ञात बोलते हैं, एक को हरिओम बोलते हैं, दोड़ू बोलते हैं गौरी शंकर जी को, खाती बोलते हैं राजेश कुमार रेगर को, खाती बोलते हैं, एक को पप्पू बोलते हैं, हरिओम मीणा को पप्पू बोलते हैं, परु पिंकी बोलते हैं प्रियंका को, ओहो परु पिंकी, बेटू बोलते हैं एक को, लक्ष्य को काका बोलते हैं सब, आप अपना बताओ बाद में बताऊंगा मैं, तो मेरा मोनी बोलते हैं, मोनिका साहू को मोनी बोलते हैं, उमेश आदित्य को अन्नु बोलते हैं, मुन्नी बोलते हैं एक को, कौन है नवीन दाकड़ को मुन्नी, बकरा बोलते हैं किसको, बाबूलाल को बकरा बोलते हैं, चलो सबका अच्छा अच्छा नाम है, बहुत अच्छा, रियल नाम तो आपने बताया नहीं, कोई होगा इक्का दुक्का जो उन्होंने रियल नाम बता दिया होगा, बाकी बोलते दूसरा ये आप मुझे पता है। तो एक तो थी भारतीय सरसों, दूसरी बात करें हिल मस्टर्ड, हिल मस्टर्ड, हिल यानी पहाड़ी, पहाड़ी सरसों मस्टर्ड, देखो हिल मस्टर्ड, अब इसी को क्या बोलते हैं, पहाड़ी राई, देखो राई आ गई और पहाड़ी राई को क्या बोलते हैं, हिल मस्टर्ड, पहाड़ी राई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो बोटनिकल नेम है वो है ब्रेसिका रोजूसा, ध्यान रखना रुगोसा, ब्रेसिका रुगोसा, रुगोसा। और इसके अंदर अगर गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो वही होती है जो 36 ऊपर था, वही 36, तो ये इसके गुणसूत्र, हिल मस्टर्ड या पहाड़ी राई। अब एक आती है काली राई, काली राई, या उसको बोल दो ब्लैक मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, और ये इंपॉर्टेंट है, काली राई को ही क्या बोलते हैं, काली राई, या बोल दो आप ब्लैक मस्टर्ड, और इसी को बोलते हैं बनारसी राई, बनारसी राई, ध्यान रखना बनारसी राई। तो ये को तीन प्रकार की हो गई राई, इसको बोलते हैं बनारसी राई, और इसका होगा, और वही एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका नाइग्रा बोल दो आप, नाइग्रा, निग्रा, निग्रा भी है कुछ किताबों में, निग्रा, निग्रा। इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं कम और वो होते हैं 16, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, बनारसी राय। अब बात करूंगा मैं इंपॉर्टेंट, और वो है ब्राउन, ब्राउन सरसों, ये बोल दो भूरी सरसों, पीली सरसों को क्या बोलते हैं, पहले पीली सरसों देख लो, टर्निप रेप, पीली सरसों, पीली सरसों, और इसको बोलते हैं टर्निप रेप, टर्निप रेप, टर्निप रेप। और इसका जो बोटनिकल नेम है वो है ब्रेसिका कंपेरिस्टिका, ब्रेसिका कंपेरिस्टिका, ब्रेसिका सब में आएगा,
प्रेषिका कंपिष्ट। अगर इसके गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 2n बराबर क्या होते हैं 20, इसके अंदर 2n बराबर 20। देखो 36 36 16 20 36 36 16 20, ध्यान रखना पीली सरसों यही होती है पीली सरसों बेटा, टर्निप रेप या पीली सरसों। पीली सरसों के अलावा एक भूरी सरसों भी होती है, काली सरसों भी होती है। तो अपन बात करेंगे अब जो तोरी होती है तोरियां, भूरी सरसों भी देख लो टर्निप रेप, तो ये टर्निप रेप आ गया। और टर्निप रेप को ही क्या बोलते हैं पीली सरसों, और इसी को बोलते हैं भूरी सरसों। इनका दोनों अलग अलग नाम है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिका, पीली जो भूरी सरसों होती है उसका भी कंपेस्ट्रिका होता है, बस उसका जो वेराइटी होती है येलो होती है और इसकी कैसी होती है येलो, इसकी ब्राउन, बस फर्क यही है। दोनों में गुणसूत्र सेम होते हैं। देखो यहाँ पर पीली सरसों की जगह भूरी सरसों आ जाए तो उसको भी टर्निप रेप बोलेंगे। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिका इसमें जो वेराइटी होती है वेराइटी पीली को बोलते हैं येलो, और अगर बात करें भूरी आ जाए तो ब्राउन, बस और कोई फर्क नहीं। बेटा तेल की मात्रा इनमें अलग अलग होती है, बिल्कुल सही है नवीन धाकर जी बोल रहे हैं, इनमें तेल की मात्रा। देखो ये जो भारतीय सरसों होती है राई, इसके अंदर जो तेल की मात्रा होती है लगभग 35%, ध्यान रखना 35% तेल, तेल की जो मात्रा होती है 35% होती है। अगर आपसे पूछ ले पहाड़ी राई तो इसके अंदर भी तेल की मात्रा होती है, वो कितनी होती है 35%, कितनी होती है 35%। अगर आपसे काली मस्टर्ड काली राई अगर आपसे पूछ ले तो इसके अंदर भी तेल की मात्रा कितनी होती है 35%, कितनी होती है 35%। अगर आपसे पीली सरसों पूछ ले, देखो पीली सरसों पूछा जा सकता है, इसमें सबसे ज्यादा तेल होता है, जो पीली सरसों होती है उसमें सबसे ज्यादा तेल होता है। तो पीली या भूरी इसी की बहन है, देखो मैं लिख देता हूं भूरी सरसों, भूरी सरसों, और उसको भी बोलते हैं टर्निप रेप, इसको भी बोलते हैं टर्निप रेप। और उसके इन दोनों के अंदर जो होती है ना, ये दोनों बहन ही है, यहां ब्रेसिका कंपेस्ट्रिक और इसकी जो वेराइटी होती है वेराइटी वो होती है येलो पीली। अगर बात करें भूरी की जगह वेराइटी कौन सी आ जाएगी ब्राउन, बस और कुछ फर्क नहीं। इसमें जो जो तेल की मात्रा होती है 35 से लेकर 48%, ध्यान रखना 35 से लेकर 48% तेल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो तेल पाया जाता है इसमें पाया जाता है टर्निप रेप में, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। अगर बात करें आगे तो इसके अलावा एक होती है तारामीरा, आपने नाम सुना होगा, या पहले देख लो काली रेप, काली पीली सरसों हो गई तोरियां, एक होती है काली, काली काली रेप, और इसको बोलते हैं इंडियन। देखो ये नाम यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इंडियन रेप किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है काली को, पीली रेप या काली रेप, जो तोरिया आती है ना तोरिया इंडियन रेप उसको बोला जाता है काली रेप। और इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिका, यही होता है। और वेराइटी कौन सी होती है ब्लैक तोरिया, ब्लैक ब्राउन येलो। और इसकी जो गुणसूत्र संख्या बात करें तो इसकी गुणसूत्र संख्या होती है 22, किसकी इसकी, इसका वेराइटी आ गई ब्लैक। अगर बात करें तेल की मात्रा तो तेल की मात्रा पहले की समान ही है, जो ये है ना ये 35 से 48%, तो यही होता है इसके अंदर भी तेल। ये जो टर्निप रेप इंडियन रेप काली भूरी काली पीली रियन, इनमें तेल की मात्रा सबसे ज्यादा ये लेते हैं बेटा, यही खाते हैं ज्यादातर लोग, जो अपन तेल निकालते हैं ना वही, क्योंकि तेल की मात्रा इसी में होती है। एक आपने सुना होगा ये टोंक बूंदी वाले जान के पापड़ा होता ना, पापड़ा पापड़ा उसको बोलते हैं तारामीरा, तारामीरा। तो इसको ध्यान रखना, लास्ट बता देता हूं मैं तारामीरा, तारामीरा इसको बोलते हैं, तारामीरा को नाम आएगा आपको रॉकेट, रॉकेट गार्डन या गार्डन रॉकेट, रॉकेट ध्यान रखना रॉकेट। ये सरसों से छोटा होता है आप जानते हो, ये कम पानी में भी हो जाता है, और इसको बोलते हैं सबसे, जितनी भी सरसों है ना जितनी भी अपन सरसों पढ़ रहे हैं सबसे सूखा संवेदनशील होता है ये, सबसे सूखा संवेदनशील फसल कौन सी है सरसों कुल में, वो है तारामीरा, ध्यान रखना। तो सबसे सूखा सहनशील इरुका सेटाइवा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है इरुका सेटाइवा, तो इसको बोलते हैं इरुका, इरुका सेटाइवा। और इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो वही होते हैं 2n बराबर 22, 2n बराबर 22 ही क्या होते हैं इसके अंदर
गुणसूत्र होते हैं। तो ये था, और तेल की मात्रा की बात करें तो औसत यही है 35% के लगभग, 35%। तो इसमें भी मैं लिख देता हूँ 35% क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है। तो ये था अपना इसका वर्गीकरण। प्रोडक्शन में बेटा राजस्थान सबसे नंबर वन है। हाँ, तारामीरा होता है हमारे भी, हम भी बोते हैं। दिव्या एएसपी कोचिंग बोल रही है, कोई हमको एनसीईआरटी बुक बताओ प्लीज। बेटा इस साल की जो एनसीईआरटी बुक है अब आएगी, बिल्कुल बिल्कुल एक बार उतार लो आप फटाफट, उसके बाद में अब पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज। और फटाफट एक बार वीडियो को लाइक भी करते चलो, लाइक करने से क्या हो थोड़ा सा जोश आ जाता। अब देखो 225 स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं, और फिर लाइकों की संख्या कम होती है तो एक थोड़ा सा ना जोश कम हो जाता है। अब बहुत अच्छी अच्छी चीज पढ़ेंगे अपन सरसों के बारे में, तो एक बार फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दे और साथियों के पास शेयर जरूर कर दे, क्योंकि बहुत से प्यारे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आगे बात करेंगे अपन, आज सरसों को फिनिश करना तो थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, अब आपके कमेंट्सों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर बात करें जो सरसों और तारामीरा होती है वो कौन सी भूमियों में या कौन से क्षेत्रों में की जाती है, अगर क्वेश्चन आ जाए सरसों व तारामीरा बारानी क्षेत्रों में खेती की जाती है। तो सरसों व तारामीरा की खेती किन क्षेत्रों में की जाती है, वो की जाती है बारानी क्षेत्रों में। अरे पढ़ती छोड़ देते हैं, अब एक चीज क्वेश्चन आएगा, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्ट, जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो सरसों जो होती है सरसों की खड़ी में एक रसायन पाया जाता है, ध्यान रखना ग्लूकोसाइनोलेट, नाम बता रहा हूं फिर दोबारा बोल रहा हूं ग्लूकोसाइनोलेट। देखो सरसों की खड़ी में, नीले पेन से लिख रहा हूं, सरसों की खली में ग्लूकोसाइनोलेट ये रसायन पाया जाता है। अंडरलाइन कर लेना सब सुपरवाइजर वाले, सरसों की खली में कौन सा रसायन पाया जाता है, ग्लूकोसाइनोलेट। ये क्या होता है, अब सरसों की खली को मनुष्य तो खाएगा नहीं, सबसे कौन खाएगा, पशु। तो पशुओं के लिए क्या होता है, पशुओं के लिए हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। अब खड़ी को तो पशु ही खाएगा, हानिकारक होता है। और अब पशुओं जब दूध देगा तो उसको कौन पिएगा, दूध को लड़कियां, तो उनके लिए भी क्या होता है, हानिकारक होता है। मतलब सरसों की खड़ी में ग्लूकोसाइनोलेट रसायन पाया जाता है जो पशुओं के लिए क्या होता है, हानिकारक। और इन पशुओं का दूध कौन पिएगा, मनुष्य पिएगा, तो उनके लिए भी हानिकारक होता है, तो एक रोग हो जाता है, रोग को बोलते हैं गोइटर। कौन सा रोग, मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है, मनुष्य में गोइटर, और दो रे कर दो, गोइटर, रे को हटा दो, रे गोइटर रोग हो जाता है, ध्यान गोइटर रोग हो जाता है। तो कौन सा रसायन हानिकारक है, ग्लूकोसाइनोलेट। ये अब क्वेश्चन यहां से आ सकता है, बिल्कुल महेश कोरवाल जी बता रहे 0.5% से अधिक होने पर, ध्यान रखना इसकी मात्रा आपसे पूछी जा सकती है, तो अधिकतम कितनी मात्रा मनुष्य सहन कर सकता है, तो वो हो सकता, मतलब जो इसका ग्लूकोसाइनोलेट की जो मात्रा होती है अधिकतम 0.5% क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। 0.5% से ऊपर क्या होता है, वो हानिकारक होता है। तो क्वेश्चन आ जाए ग्लूकोसाइनोलेट की उच्चतम सीमा 0.5%, इससे अगर ऊपर अगर खा लिया तो क्या होगा, मनुष्य में रोग हो जाएगा गोइटर। आगे समझ में, अब देखो अब बात करेंगे अपन जो सरसों के अंदर आपको पता तिलहनी फसल है। किस्मत यादव जी बोल रही है मैं आपको जानती हूं, तो बेटा अनजान का तो यहां काम नहीं है।
बेटा आप कभी सिर्फ जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्रॉप है उसी पे आप फोकस करें पहले, आप जो फालतू की चेटनिंग कर रहे हैं उस पे ज्यादा गौर ना करें। अब बात करूंगा मैं सरसों, आपको पता तिलहनी फसल है, और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा उर्वरक दिया जाता है, और वो दिया जाता है SSP। देखो SSP, तो क्वेश्चन को मैं अंडरलाइन कर लेना छोटे जेठ वाले बच्चे, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है, SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। तो मैं लिख सकता हूं सरसों में तेल व गुणवत्ता, क्वालिटी को गुणवत्ता मतलब अच्छी प्रकार के दाने हो, अच्छी क्वालिटी के दाने हो, अच्छी क्वालिटी का तेल हो, तो सरसों में तेल व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए SSP सिंगल सुपर फास्फेट प्रयोग में लाते हैं। ये चीज भी ध्यान रखना। अब मैं बात करूंगा इसकी जलवायु की, कौन सी जलवायु का ये पौधा है, अच्छी जलवायु कौन सी मानी जाएगी। तो आपको पता है ये कौन सी क्रॉप है, ये रबी की है। सरसों को कब बोते हैं अपन, गेहूं के साथ ही बोते हैं। तो अब इस ये फसल कौन सी है, रबी की, तो मतलब बोल सकते हैं अपन ठंडी जलवायु की फसल है। सरसों किस जलवायु की फसल है, ठंडी जलवायु की। तो जलवायु की बात करें अपन, जलवायु तो जलवायु कौन सी है, ठंडी एवं नम जलवायु की फसल है। अब तापमान की बात कर ले, कितने डिग्री तापमान, तो आपको पता है सरसों जब बोते हैं जो तापमान होता है, मतलब अपन अंकुरण की बात करें, जब अंकुरण होता है तो लगभग उस समय तापमान होना चाहिए लगभग 25 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान कितना होना चाहिए, तापमान अंकुरण का तापमान लगभग 25 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो धीरे धीरे जब सरसों बो देंगे उस समय तो टेम्परेचर इतना ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर नवंबर दिसंबर चल जाता है तो फिर क्या पड़ने लग जाती है, सर्दियां। तो सरसों की वृद्धि के लिए तापमान पूछे तो नवंबर बाद में, अक्टूबर बाद में क्या होने लग जाता है, सर्दियां पड़ने लग जाती है, तो तापमान में क्या आ जाती है, गिरावट। तो वृद्धि के लिए अगर आपको तापमान पूछे तो लगभग 18 से 25 डिग्री हो जाएगा, और फिर जब मान लो लास्ट में अगर जब पक के तैयार हो जाती है तो सरसों को कब काटते हैं वो आपको पता ही है, उस समय तापमान लगभग कितना रहेगा, तो वही लगभग 20-22 के लगभग तापमान रहेगा। अगर मृदा की बात कर ले तो सबसे अच्छी मृदा होती है इसकी दोमट मृदा, तो वो कौन सी होती है, दोमट मृदा। तो एक बार इसको उतार लो, और जिसका pH मान 6-7.5 तक माना जाता है, तो एक बार इसको उतार लो, फिर करेंगे अपन वेराइटियाँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक सी वेराइटी बताऊँगा कि आपको याद ही हो जाएगी वो, और वही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फटाफट उतार लो। आपको एक बात बोल सकता हूं लेकिन आपको थोड़ा सा बुरा लग जाएगी बेटा, वो आपको पता है कृषि पर्यवेक्षक में 2254 पद बढ़ा दिए गए, और 2254 पद होने का मतलब आप जो मजाक कर रहे हो, जो मजाक के अंदाज में आप पढ़ रहे हो, या आप अपने माँ बाप को, आपके माँ बाप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। सर मैं आपके स्टेडियम में आऊंगी, ये क्या लिख रहे हो, मतलब प्लीज आप फालतू के कमेंट्स ना लिखें। अगर किसी भी स्टूडेंट का अब फालतू का कमेंट्स आया तो सीधा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, मैं अंतिम चेतावनी आपको दे चुका हूं, अब फालतू के कमेंट्स ना करें। अब देखिए अगर किस्मों की बात करें, किस्में देखो अच्छी अच्छी किस्मों की बात करेंगे, सरसों को आपको पता बहुत ही ज्यादा किस्में हैं। सर आपके पास जो बुक है वो दिखा दो, बेटा बुक से तो बहुत 8-10 बुक है, आपको जो भी पढ़ाया जाता है बहुत सी बुकों में से मतलब छांट छांट के पढ़ाया जाता है, एग्जाम की सिलेक्टेड करके, एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं।
तो उन सबको मिलाकर आपको पढ़ाया जाता है। तो आप टेंशन ना ले, बुकों की जरूरत ही नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और उनके अंदर से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इतनी टेंशन मत लिया करो। पहली बात तो मैं कोई कसर ही नहीं छोड़ता हूँ, और अगर छोटी मोटी कसर छूट भी जाती है 10-20% आपको थोड़ा सा डिजिटल में थोड़ा बहुत कम पढ़ाया जाता है, बाकी जो भी कोई कमी रहेगी आपको ऑफलाइन के दौरान पूरे सिस्टमेटिकली पढ़ा दिया जाएगा। और भी इनसे 4-5 लाइनें जो नए टेक्निकल क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको ऑफलाइन के दौरान पढ़ा दिया जाएगा, आप टेंशन ना लें। 20% एक्स्ट्रा ही आपको मिलेगा, तो वो आप चिंता ना करें, आपको सिलेक्शन देने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, निश्चिंत रहिए आप। चलिए किस्मों की बात करें तो एक ही किस्म आपको एग्जाम में खूब बार पूछी हुई है, और पहली किस्म की मैं बात करूं तो वो होती है पूसा जे किसान। ध्यान रखना, पहले पर पढ़ने मस्टर्ड राई की, राई की मैं लिख देता हूं मस्टर्ड, मस्टर्ड मस्टर्ड बोल दो या राई की, कौन कौन सी किस्में जो अपन पहली वो पढ़े थे, अपन वर्गीकरण पढ़े थे मस्टर्ड राई या भारतीय सरसों, और इसी की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूसा जय किसान। पूसा जय किसान ये क्वेश्चन खूब बार आया हुआ, और सुपरवाइजर 2012 में भी एक इस वेराइटी से एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आगे बात करूंगा। इसी किस्म को बोलते हैं उपनाम, इसका उपनाम, इसका उपनाम है बायो 902। ध्यान रखना बायो 902, बायो बायो 902 यह इसका उपनाम है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ये वैरायटी नहीं पूछी थी कृषि परीक्षक 2012 में, दूसरी पूछी थी, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी पूछी थी। तो पूसा जे किसान या बायो 902 ये वैरायटी पूरे विश्व के अंदर प्रथम जैव तकनीकी या जैव प्रौद्योगिकी से विकसित की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सरसों की कौन सी किस्म जैव तकनीकी या काईकी संकरण से विश्व के अंदर प्रथम किस्म थी जो जैव तकनीकी से क्या की गई थी, विकसित की गई थी। तो मैं बता सकता हूं इसके बारे में, जैव तकनीकी, जैव तकनीकी, जैव तकनीकी या काई की संकरण से तैयार प्रथम किस्म सरसों की वो कौन सी थी, बायो 902। आ गई होगी समझ में आपको, तो प्रथम संकरण किस्म थी ये। दूसरी बात, इस किस्म को किसने विकास किया या किस साइंटिस्ट ने बनाया, प्रथम जैव प्रौद्योगिकी, बेटा बिल्कुल सही है, बायोटेक्नोलॉजी से प्रथम इससे जो किस्म थी इसका विकास किया था एक चौधरी था, जाट था, और उसका नाम था वीएल चोपड़ा। ध्यान रखना, इसका विकास किया था वीएल चोपड़ा, चोपड़ा जी, वीएल चोपड़ा, चोपड़ा ने किया था, और ये किया था 1958 में विकसित किया था। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, वीएल चोपड़ा ने इस किस्म का क्या किया था, विकास किया था। तो ये थी प्रथम बायोटेक्नोलॉजी या जैव तकनीकी द्वारा या जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रथम किस्म। बीएल नहीं है बेटा, वीएल है वो, वीएल चोपड़ा। बेटा वॉइस वाला देखो, थोड़ी सी थोड़ी बहुत आवाज में समस्या आ रही है, और ये आज से नहीं, एक महीने डेढ़ महीना हो गया समस्या ही आ रही है। मैंने पूरा ये कंप्यूटर को आप कहो तो मैं खोल दूं आज, आज इसको पूरे बखेर दूं, लेकिन वापस जुड़ेगा नहीं भी मेरे से। इसकी आवाज़ को चेक कर लेता हूं, लेकिन अभी क्या थोड़ा सा लॉकडाउन ये पूरी सिस्टमेटिकली खुले नहीं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसका समस्या का निवारण कर दूं। देखो हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, इसमें जो तेल की मात्रा होती है लगभग 38-40% पाई जाती है। अब मैं दूसरी किस्म बता रहा हूं, वरुणा, दूसरी किस्म है वरुणा, वरुणा। देखो अब इंपॉर्टेंट वेराइटियों की बात करेंगे, जो वरुणा किस्म होती है इसको बोलते हैं T59, ये भी इसका उपनाम है। अगर बात करें अब इंपॉर्टेंट वेराइटियां, तो आपने नाम सुना होगा पूसा बोल्ड, पूसा बोल्ड किसकी किस्म है, पूसा बोल्ड, ये सब तारामीरा की बात कर रहे हैं अपन, पूसा बोल्ड, सॉरी राई की, पूसा बोल्ड किसकी किस्म है, ये है सरसों की, और सरसों की किसकी, राई की, मस्टर्ड या राई या भारतीय सरसों की। लक्ष्मी की बात कर लो आप, लक्ष्मी, लक्ष्मी भी किसकी किस्म है, ये भी सरसों की है और ये भी राई की है। अगर बात कर लो आशीर्वाद,
भागीरथी, खूब किस्में, कितनी किस्में आप बता ही नहीं चलेगा आपको। एक और याद रखना, वरदान, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ही बता रहा हूं मैं, वरदान। वरदान किसकी किस्म है? वो है सरसों की। एक अगर बात करें रोहिणी, और बात कर लो रजत हो गई, सौरभी हो गई, बसंती हो गई, सीता हो गई, जगन्नाथ हो गई, इतनी वेराइटियां हैं सरसों की आप पूछो ही मत। हो स्वर्ण ज्योति, एक और स्वर्ण ज्योति, स्वर्ण ज्योति, तो ये भी इंपॉर्टेंट वेराइटी है सरसों की, स्वर्ण ज्योति, और इसको बोलते हैं RH9802। ध्यान रखना इसका उपनाम है RH9802। तो ये किसकी वैरायटी है? सरसों की। तो ये अपन ने 5-7 वैरायटियां देख ली, ये इंपॉर्टेंट है। अगर और बात करो, अब देखो क्वेश्चन कौन सा आया था, कृषि पर्यवेक्षक 2012 बीकानेर यूनिवर्सिटी का, आप पेपर उठा के देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, भारत में भारत की प्रथम संकर किस्म, क्वेश्चन आया था सरसों की प्रथम संकर किस्म, और पूरे पेपर कृषि पर्यवेक्षक 2012 के अंदर दो ही क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन थे। एक तो ये था अनार उत्कृष्टता केंद्र, क्योंकि उस समय बनाई था 2012 में जब पेपर लगा सुपरवाइजर का, उस समय बनाई था, किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं था कि अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है। बस्सी वाले बच्चों को भी पता नहीं था अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, क्योंकि सरकार ने घोषणा की, काम चालू कर दिया। तो एक तो वो क्वेश्चन था, और एक ये क्वेश्चन था सरसों की प्रथम संकर किस्म। दो क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल थे, बहुत से बच्चों का जिंदगी बर्बाद कर गए मेरे साथियों की, और बहुत से बच्चों की जिंदगी आबाद कर गए। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट था सरसों की प्रथम संकर किस्म, और वो कौन सी थी आपको बता होगा, और वो थी NRCHB 506। कौन सी थी? NR सरसों की प्रथम संकर किस्म, प्रथम संकर किस्म। ध्यान रखना, स्टार लगा लेना, सुपरवाइजर ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, सरसों की प्रथम संकर किस्म थी। अब दो रख जाओ, दूसरा भरा हुआ गया तो कितने रखे जा रहे हो? दो। देखो सरसों की प्रथम संकर किस्म थी NRCHB, और वो थी 506। ये क्वेश्चन आया था सुपरवाइजर 2000, और यहां पर 501, 502, 503, 506। अनार वाला 2013, हाँ बिल्कुल नातू बाटी जी, अनार वाला सॉरी 2013 में आया था अनार वाला, NRCHB 506, ये 2012 सुपरवाइजर का था। और ये कहां से विकसित की गई थी? ध्यान रखना ये सेवर भरतपुर से विकसित की गई थी। मैं लिख देता हूं सेवर भरतपुर में क्या है, DRMR, सेवर भरतपुर से विकसित की गई थी प्रथम संकर किस्म, विकसित की गई थी NRCHB 506। ध्यान रखना, अगर बात कर ले यहां पर सेकंड किस्म कौन सी थी, भारत की सेकंड संकर किस्म, और वो कौन सी है? NRCHB 101। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड किस्म ये थी, प्रथम ये थी, मतलब द्वितीय संकर किस्म लिख सकता हूं, द्वितीय संकर। तो ये दो किस्में आप याद रखना, और ये दोनों कहां से विकसित की गई थी? सेवर भरतपुर से। आगे होगी समझ में आपको। ये जो किस्म है ये लेट सोविंग वाली है, आप लेट बुआई भी कर सकते हो सरसों की। तो ये हो गई सरसों की, हो गई आपको समझ में आ गई हुई। तो एक बार इसको उतार लो, फिर और बात करता हूं मैं सरसों की और किस्मों के बारे में। तो फटाफट उतार लो और फटाफट लाइक भी कर दो। उतार लिया होगा तो थोड़ा सा, अब ये टॉपिक जो है सरसों का, ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अपन कल लेंगे, क्योंकि अब तो अभी तो बहुत ही इसके अंदर और भी बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आज के लिए लेता हूँ मैं आपसे विदा, कल
फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे, देखना ना भूलिए ASP कोचिंग जयपुर आपकी होगी राजस्थान इतिहास की। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखना, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।